मांझे लगता है किसी गलत आदमी से रास्ता पूछ लिया। वो चौंक आई नहीं रही और रक्षा भी खड़ा है, रक्षा भी चलते पाइन। इतों तो उतों जाने के कितने पैसे लोगे यार मामू? क्या इतों उतों, सीधा बोलो गुलबर्ग जाना है। मांझे गुलबर्ग से तो आए हैं, वापस कराची ले जा रहे हो यार? एक गुलबर्ग यहाँ पे भी है ना, कॉपी कैट्स, और मैं भी गुलबर्ग बना लिया भाई। गद्दाफी स्टेडियम जाना है। मांझे आज हम खेल नहीं सकेंगे, अनफिट अनफिट फील हो रहा है, जेट लैग सा हो रहा है। अरे मामू मैच खेलने थोड़ी जा रहे हैं और कराची से लाहौर में कैसे जेट लैग? आप चुप रहो भाई, गुलबर्ग जाना है, गद्दाफी स्टेडियम के पास है। कितने लोग हैं? भांजे भांजे बाइक आ गई, और भांजे बाइक आ गई, अंदर आ जाओ भांजे, तपिश जिंदा हो जाएगी। मामू फिर वही स्लो मोशन, और यहाँ बहुत ठंडे लोग हैं यार, तपिश वपिश जिंदा नहीं होती। तो कदी कदी हो भी जाती है। हो जाती है, जल्दी आ जल्दी। ओ चलो भाई चलो, जल्दी चलो, और सीधा सीधा जाना दादा, सज्जे खब्बे नहीं करना भाई। लो हो रहा है। हाँ। रोक दे रोक दे रोक दे यार। ओ पायन, कदी कदी दबा भी लिया करो। मामू, ये क्या बोल दिया? नहीं दबाता भांजे, ये कटिंग मार मार के कमर दर्द कर दी इसने। भाई ब्रेक है तो दबा लिया करना यार। अरे चलो यार कुछ खाते हैं, आजो आजो कुछ क्या खिलाओगे भाईजान? इस इलाके में पानी किस वक्त आता है? फुल टाइम आता है। फुल टाइम? यार चाचू, मामू, चाचू नहीं मामू। मामू ए लाहौर है, इधर हर चीज बेस्ट होती है। बेस्ट होती है बिरयानी? चलो भाई है? अरे चलो चलो चलो। अरे क्या हो गया? अरे हम यहाँ नहीं रह सकते, चलो चलो आगे। तो भांजे क्या देख लिया ऐसा? मैं नहीं बता सकता क्या देखा मैंने। मैं भांजे फिर अकेले अकेले देख लिया यार। अरे मामू यार, ये लोग ऊपर से डालते हैं। ला हौल वला, आज तक ये लोग ऊपर से डाल रहे हैं, मतलब पीले चावल पे चिकन कौरमा डाल के चिकन बिरयानी, बीफ कौरमा डाल के बीफ बिरयानी। अच्छा अड़े यार, नहीं खानी बिरयानी, मैं तुम्हें चने पटूरे खिलाता हूँ। मैं चने पटूरे खाऊंगा। बहुत मजा नहीं आ रहा, जोर से बहुत आ रहा। बस अब ऐसा ऐसा नीचे आएंगे। आप सबको खुशामदीद, हसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सबको ये भी लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। बेटा आप तीन लड़कों ने क्यों ताली बजाई इस बात पे मैं बाद में पूछूंगा। कादिर आजाद आज के जो हमारी गेस्ट हैं, भाई हमारे क्रिकेट टीम की, विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान हैं, बहुत ही अच्छी डेंटिस्ट हैं, दूसरों के मुंहों का इलाज करती हैं और जब अपना मुंह खोलती हैं तो हर क्रिकेट मैच को खूबसूरत बना देती हैं, ऐसी कॉमेंटेटर हैं। तो डेंटिस्ट और क्रिकेटर हैं साथ साथ, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उरूज मुमताज। पहले जी सर, आई एम सॉरी थोड़ी गुस्ताखी सी लगती है मगर रिवायत है शो की। बैठने से पहले जो भी गेस्ट आता है वो हमारी ऑडियंस को एक शेर सुनाता है। आप क्या सुनाएंगी? चलें, याद किया था छोटा सा, छोटा सा शेर सुना दे, बच्चा ही शेर का, बच्चा ही शेर। हार और जीत अपने अंदर होती है, हार और जीत अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। वाह वाह वाह, अपनी तारीफ कर दी। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। वाह वाह, तशरीफ रखिए। थैंक यू, वेलकम टू हसना मनाए उरूज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। अच्छा ये बताइए उरूज, के मैंने बचपन से सुना है कि जब कोई बच्चा खेलना चाहता है तो उसके माँ बाप कहते हैं पढ़ो लिखो, ये क्या फजूल काम है, मगर आपके साथ कुछ उल्टा सा हुआ। आपके जो यूनिवर्सिटी के डीन थे वो भी कहते थे जब तक तुम खेलोगी नहीं पढ़ने नहीं दूंगा, इम्तिहान नहीं देने दूंगा। ये कौन से डीन है? एक ही है शायद, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। डेंटल कॉलेज के थे, फाइनल एग्जाम सेकंड ईयर का, डेंटिस्ट्री का फाइनल एग्जाम सेकंड ईयर का, तो एशिया कप से कोइंसाइड कर रहा था, हमें जाना था, मैं कप्तान थी। तो अम्मा अब्बा को जाके बोला तो अम्मा अब्बा ने कहा कि यार मतलब थोड़ी सी मुश्किल बात है कि कैसे हम प्रोफेशनल एग्जाम छोड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बाकर अस्करी के उनके पास गए, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको क्रिकेट नहीं खेलने देंगे मैं इसको इम्तिहान नहीं देने दूंगा। क्या बात है भाई, ऐसे डीन होने चाहिए, नहीं क्रिकेट नहीं खेलने। वाह, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं, आप बाकायदा प्रैक्टिस भी करती रही हैं डेंटिस्ट्री की, तो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, टीवी पे भी आती हैं, कभी कोई ऐसा होगा फैन आके पेशेंट बन गया हो आपके आगे, मुंह खोल के लेट गया हो?
बिल्कुल डायरेक्टली इस तरह नहीं, बट अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और फिर आकर, हाँ अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, फीस भी भरते हैं और फिर उसके बाद आके कहते हैं कि बस मैं आपसे जो है ना मतलब मिलने आया था, आप चेकअप कर लें मगर मुझे आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। चलिए ठीक है। फिर छोटे जो पेशेंट थे, क्योंकि मैं चिल्ड्रंस डेंटिस्ट्री भी देखती हूँ, उसमें जो है ना अम्मा अब्बा ले आते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कहाँ डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, आ गए भाई चेकअप करा लो। वहाँ आके जो क्रिकेट के ज़्यादा शौकीन होते हैं ना 13-14 ईयर ओल्ड्स, अरे ये तो रूज मुमताज़ आप डेंटिस्ट भी हैं, तो उसमें ज्यादा मजा। मुझे ऑकवर्ड लगे अगर मुझे कोई पसंद हो, किसी का फैन हो और वो डेंटिस्ट हो, मैं उसके सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा, असलियत पता चल जाएगी। ये भी करती हो रूज? ऐसा हुआ कि जब क्रिकेटर नहीं थी या टीवी पे इतना मशहूर नहीं थी तो कोई और फी लेती होंगी, और अब आपने क्योंकि मशहूर हो गई तो फी बढ़ा ली हो? उतने ही जीरो हैं, उतने ही जीरो हैं। बहुत महंगा इलाज होता है वैसे डेंटिस्ट, ये तो है। क्यों होता है डेंटिस्ट इतने महंगे? ख्याल रख लेना भाई दांतों का, ब्रश कर लें, मीठा ना खाएं इतना। फिर आप लोगों का क्या होगा? हम तो आपकी रहमदिली में खाते हैं ये। मैं मीठा खाऊंगा तो उरूज का काम चलेगा। ये बात भी ठीक है उरूज, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, डन, बहुत क्योंकि करीब का गंदा कोई रेडी नहीं हो रहा था, दूर दूर से इनके पास आपके लिए सवालात है, इनसे आप सवालात पूछेंगे। भाई सबसे पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम ख्वाजा मशहूद अब्दुल रहीम भट्ट। ख्वाजा मशहूद अब्दुल रहीम भट्ट, हाँ जी। इनका अकेले का नाम है? फजूल खर्ची की, फजूल खर्ची इतना बड़ा नाम रख लिया। अच्छा ख्वाजा मियां, क्या सवाल, क्या करते, क्या हो तुम? मैं जी सीए में पढ़ता हूँ। सीए में पढ़े रहते हो तुम? तो सवाल पूछो। मेरा सवाल है आपसे ताबिश भाई कि मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे तमाम जो लड़कियां वो भाई बोल देती हैं, तो मैं क्या करूँ, इतना माड़ा हूँ मैं। मैं बेटा बहनों लड़कियों से बात करके बता सकता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, तुम्हें क्या कहें, खालू कहें, क्या कहें? अब भाई ना कहें, ब्रो कह देती हैं ज्यादा मुअज्ज़ज़ होके, लेकिन भाई तुम्हें इंग्लिश में बेइज्जती अच्छी लगती है, ब्रो कह। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी आदिल। आदिल सर आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लोगों को पढ़ाते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा तो सर क्या पढ़ा लेते हैं? मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। आपने खुद कर ली चार्टर्ड अकाउंटेंसी? जी मेरा चल रहा है। यही तो मसला है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, यही मसला है। टीचर का भी चल रहा होता है, डीन का भी चल रहा होता है, प्रिंसिपल का भी चल रहा होता है, बच्चों का भी चल रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसे, हमेशा की डिग्री है। जी जी सर कोई सवाल? आप 2009 में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, तो ऐसी क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीत सकी? हाँ ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है भाई, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता आप लोगों ने, क्यों? सही बात सही है, मगर इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। ऑन अ सीरियस नोट कि जितनी इन्वेस्टमेंट और रिस्पेक्ट और वैल्यू वुमेन्स क्रिकेट को दी गई है वो प्रोबेबली मेंस क्रिकेट के मुकाबले में बहुत कम है। टाइम वुमेन्स क्रिकेट का मेंस क्रिकेट के मुकाबले में बहुत कम है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे उसी डेडिकेशन से उसी पैशन से बोर्ड का लगना भी ज़रूरी है, तो जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट है। तो आहिस्ता आहिस्ता काविशें जारी हैं, रिजल्ट्स बेहतर होते चले जा रहे हैं, बट जब तक होल हार्टेडली इसको मेंस क्रिकेट की तरह वैल्यू नहीं किया जाएगा ना, जब तक हम रेस में पीछे रहेंगे थोड़ा सा। मैं सॉरी इस पे थोड़ा सा आपको ग्रिल करूंगा। जरूर। ये है कि जितनी इंपॉर्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी टीम के ऊपर पीसीबी जो देता होगा, जैसे कहते हैं फोकस करता होगा, ऑस्ट्रेलियन टीम मेंस टीम पे जो फोकस होता होगा उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से कम फोकस ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम पे होता होगा, हमारी मेंस टीम पे जो फोकस होता होगा उसी प्रोपोर्शन से कम आपके ऊपर होता होगा, प्रोपोर्शन सेम होंगे, डॉलर वैल्यू कम हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत फिट नजर आती है उस कम फोकस के बावजूद, मैं खवातीन की टीम, और हमारी टीम जो है वो उतनी फिट नज़र नहीं आती खवातीन की? और एक और सवाल भी इसके साथ ही अटैच कर दूं कि ये नहीं लगता आपको कि मेंस टीम क्राउड पुलर है, बहुत सारे लोग आते हैं देखने, ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो खवातीन की टीम क्यों इतनी क्राउड पुलिंग की एबिलिटी नहीं रखती? भाई जो पहली बात आपने सवाल किया उसमें प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी, ठीक, दोनों चीज़ें, बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनलिज्म होगा उसको आप उसी तरह से वैल्यू करेंगे, मेंस क्रिकेट की तरह स्पॉन्सरशिप्स लाएंगे, वही ग्राउंड देंगे, प्रोफेशनल कोचेज लगाएंगे और सारा साल मतलब 365 दिन ये सिलसिला चलता रहेगा, ए टीम बनेगी, ग्रास रूट होगा, मार्केट बन जाएगी ऑटोमेटिकली, तो और उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जो बहुत सारी जगहों पे हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई रन क्यों नहीं किए तो आउट क्यों हो गई, क्या बहुत सारी चीज़ों पे कोच की अकाउंटेबिलिटी, सिलेक्टर की अकाउंटेबिलिटी टिल द वेरी टॉप। ठीक। और दूसरी जो चीज़ आपने बात की भाई जो दिखता है वो बिकता है,
Of course. सीधी सी बात है, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह वैल्यू करेंगे और किस तरह उसको पैकेज करेंगे और दिखाएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे तो लोग खरीदेंगे ना। तो जब आप विमेंस क्रिकेट आपने कितनी देखी टीवी पे, चलिए बता दें। मैंने बहुत कम देखी ऑनेस्टली, और आती भी बहुत कम है, अब बहुत ज्यादा आने लगी है आईसीसी को लेके कंपैरेटिवली। बट हमारे यहाँ तो वही वाली बात है, सिंपल सी बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो टैलेंट बहुत है, गुड़ ना डाल जाए चिपक जाए सारे, है ना, चिपक जाए, फिर दांतों के लिए ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला वकार। क्या कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं मोस्टली? जी हो रहा है बेटा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला मियां पूछो सवाल। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम आपने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाँ भाई उरुज, आपने एक ही टेस्ट मैच क्यों खेला? पाकिस्तान ने तीन खेले। पाकिस्तान ने तीन खेले थे बेटा, ये भी देख लेते हैं। तो एक खेला, पाकिस्तान विमेंस की हिस्ट्री में तीन ही टेस्ट मैच खेले गए और उसमें से भी आप एक खेल चुके। जो मेरा जो डेब्यू था 2004 में, दैट वाज वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो था ही टेस्ट मैच में और वो पाकिस्तान का आखिरी टेस्ट मैच। अच्छा कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कितने टेस्ट खेले होंगे? सारे खेले होंगे, 50 से ज्यादा, 50-60 टेस्ट खेले होंगे। तो ये टेस्ट, ये मैंने तो सुना था आईसीसी ये एक स्केड्यूल डिजाइन करती है, तो ऐसा कैसे होता है कुछ मुल्कों को कम मिलते हैं और कुछ मुल्कों को बहुत मिलते हैं? अच्छा ये 2004-05 में ना आईसीसी की जो विमेंस बॉडी थी वो और आईसीसी अलग अलग चलते थे। जब से ये आईसीसी के अंडर आए तो फिर चीजें डिफरेंट हो गई हैं। टेस्ट खेलने के लिए आई थिंक आपके पास उस किस्म का टैलेंट पूल प्लस उस किस्म की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए कि, तो बाकी टॉप के साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये चार मुल्क टेस्ट मैच खेलते हैं और ये भी बहुत कम खेलते हैं, इक्का दुक्का टेस्ट मैच खेलते हैं साल में। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, तो बट पाकिस्तान ने तीन ही खेले, उसमें मैंने खेले। चलो अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राहिमा। राहिमा क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर कर कोई डिफरेंट काम कर रही हैं? कोई सवाल? क्रिकेट नॉर्मली मेल्स के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाता है हमारी हमारे कंट्री में, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर कोई लड़कियाँ इसको ऑप्ट करें तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं हम? ये तो अगर रायमा ने ये तय कर लिया कि वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं? मगर उससे पहले ताबिश यही तो माइंडसेट तोड़ना है कि क्यों ये सिर्फ मर्दों के लिए कंसिडर किया जाता है। मतलब बचपन से यही होता है मोहल्ले में, आप लोग बारी नहीं देते थे ना हम लोगों को कभी? मुझसे तो कोई मांगती तो मैं अपनी अपना बैट देता था, ये लो सब ले लो, तुम ही बैटिंग करो, तुम ही करो, मैं तुम्हें देखूंगा। लेकिन हाँ मैंने देखा है, नहीं इसमें ये ऑब्वियसली क्योंकि कुछ आपका सोसाइटी का इशू है कि आउटडोर स्पोर्ट्स को जनरली लेकर, और प्लस इसकी बहुत अब तक टिल रिसेंट पास प्रोफेशनल नहीं था ना, तो अगर आप जाओगे भी खेलने के पहले खेलोगे कहाँ, कोई ऐसा सेफ एरिया ढूंढना। फिर दूसरी बात, अम्मा बाप मोहल्ले वालों को घर वालों को क्या जवाब देंगे कि क्रिकेट खेलिए। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आप खेल भी लोगे तो पहले इसको आप प्रोफेशन नहीं बना सकते थे, इसमें से कोई कमाने का उस तरह से जरिया नहीं था। अब बहुत हद तक अगर आप देखें तो जिस तरह से अब एडवर्टीजमेंट्स में भी, स्पॉन्सरशिप्स में भी, बिलबोर्ड्स में भी, बहुत जगह आपकी विमेन क्रिकेटर्स जो हैं मर्दों के साथ बिल्कुल साथ साथ लग के हैं, उससे फिर अब आप उस चीज़ को, तो यही माइंडसेट और जो बैरियर है ना, ये हमें एज अ पूरी मुल्क जो है सोच तब्दील हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्कूल कॉलेजेस में भी लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, सबके साथ यही हुआ होगा, है ना, लड़के वॉलीबॉल खेलेंगे, लड़कियां थ्रोबॉल खेल लेंगी, ठीक है। तो वो तो ये डिफरेंस जो है स्कूल लेवल से लेके घर, मेंटालिटी, बोर्ड, मुल्क, सारी चीज़ें एक जो है वो चीज़ उसमें आई थिंक आप इनकम पास कर आप सही कह रही हैं। लेकिन आप क्योंकि ये एक होता चला जा रहा है तो ऐसा ऐसा आई थिंक ये नॉर्म बन जाएगा और फिर क्रिकेट खेलना आसान हो जाएगा। आप बेटा ये चार दोस्त हैं आपकी, पांच दोस्त हैं, आप मोहल्ले में आज से खेलना स्टार्ट करो और आप लड़कों को बैटिंग मत दो, बोला हम भैया बच्चों के साथ नहीं खेलते। जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा ना लड़कियों को अपनी स्पेस खुद ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल है, शाबाश बेटा, थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? इरफान इस्माइल। इरफान इस्माइल क्या करते हैं? इरफान सीए कर रहा हूँ। आप सीए कर रहे हैं, आपके देख के लग रहा है ये बंदा कुछ सीए कर रहा है। प्रॉपर लड़का नहीं होता सीए वाला, एकदम बिखरे हुए बाल, खुला गिरे बाल, गेटअप पूरा है, जिससे कुछ नहीं हो रहा वो सीए कर रहा है। सवाल मिस मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनके मशहूर ज़माना फ़नी वाक़यात हमने सुने, कभी विमेन क्रिकेट टीम से हमने कोई ऐसा वाक़या सुना ही नहीं। बात ही कहाँ की तुमने उन लोगों से? बात ही कहाँ टीवी पे जब हम देखते हैं, तो आपका कोई ऐसा वाक़या जो आप फ़नी जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? फ़नी तो बहुत सारे हैं, कुछ बताने लायक हैं कुछ बताने लायक नहीं है। नहीं नहीं आप लिख के देने वाले। हाँ वो फिर बाद में मैं लिख के दूँ। जो बताने लायक है उसमें जब विमेंस क्रिकेट हमारी शुरू हुई थी तो दो तीन किस्से हमें मुरीदके में लाहौर से बाहर
स्टेशन कर दिया था कि बाबा आप लोग यहीं रहेंगे यहीं खेलेंगे, तो कोई आना जाना नहीं होता था। ओके। और ये बहुत पुरानी, मैं 2004-05 की बात करी, उस वक्त हमारी डेली अलाउंस भी 500 रुपये होती थी। ओह माय गॉड। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे कुछ नहीं होता था। तो हमारे जो फिटनेस ट्रेनर थे वो बड़े सख्त किस्म के थे कि भाई सुबह 5 बजे फिटनेस सेशन हो रहा है, फिर फील्डिंग हो रही है। तो जिस दिन वहाँ पर धोबी नहीं होता था, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। क्या होता था? हाथ। तो जिस दिन वहाँ पर खवातीन लगी। हाँ हाँ भाई, वहाँ पर तो एक बाकायदा हमारा सेशन होता था कि हम कपड़े धो रहे हैं। तो कपड़े धोते थे ना जिस दिन, उस दिन हम कहते थे आज हम जिम सेशन नहीं करेंगे। तो वो जो है ना हमारा फिटनेस सेशन होता था वहाँ पे। फिर वहाँ से हमारी ट्रांसफर थोड़ी सी कहते ना प्रमोशन हुई, तो हम लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हम रहने लगे जब हमारा नेशनल कैंप लगता था। तो लड़कियों को लेके ऑब्वियसली सेफ्टी की एक ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है कि इजाज़त मिलती है बाहर जाने की नहीं, बट हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलती थी कि भाई मतलब जाने दें, निकलने दें, जेल में थोड़ी बंद करके रखा है। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने इजाज़त ली, गाड़ी वाड़ी किसी नहीं के पास होती थी, हमने कहा हम रिक्शे में जाएंगे। अब हम आई थिंक 8 या 10 थे, अब सब मेरी तरह 5 फुट 1 इंच नहीं थे, कुछ लंबे लंबे भी थे थोड़े से, थोड़े कुछ यूं भी थोड़े से चौड़े थे। तो अब एक रिक्शे में 8 या 10 कैसे फिटाएंगे? तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग, अच्छी बॉल करती थी, लंबी थी, ठीक है। अब वो किस तरह फिट हुई थी? वो ओब्लीकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर। अरे कुर्बानी के दिनों में गाय लेके आते हैं। और उसके बीच में हम बाकी 6 साथ भी फिट हुए, जैसे कि पजल के पीसेस नहीं फिट करते, तुम इधर हो जाओ, तुम इधर मुड़ जाओ, दो रिक्शे वाले के साथ भी बैठ। अच्छा, कोच ने मना भी किया था कि मत जाना, तुम लोगों को बात समझ आती, इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ है, मैचेस होने वाले। रिक्शे वाला टकरा गया, तो रिक्शा यहाँ, अस्माविया की टांगे यहाँ और गाड़ी वाला यहाँ, चिप बस हो गया एक्सीडेंट, इंजर्ड। फिर ये क्या बताएंगे क्या जाकर, जख्मी हुए हम लोग, ऐसे थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप क्यों गए थे? चाट वाट, चाट खाने यार, अब बंद कर दे, चाट खाने रिक्शे में जा रहा है यार, स्टोरी देखे ना। हमारे कम से कम मेल क्रिकेटर्स जो है पकड़े तो ढंग की जगहों पर जाते हैं, कसीनो में पकड़े जाते हैं, क्लबों में पकड़े जाते हैं, चाट खाते हुए क्यों पकड़े जा रहे हैं यार? चाट खाते हुए भी नहीं पकड़े गए थे, तो टांग टूट गई तो पकड़े गए ना, बताना पड़ेगा। कोई अल्लाह का शुक्र है इंडिया को पता नहीं चला कि हमारी खवातीन रिक्शों में पकड़े एक्सीडेंट हो रहा है, इतनी बेइज्जती होती मेरी। उरुज, एक ज़माना था कि पूरी सोसाइटी ही मिसोजिनिस्ट होती थी, सेक्सिस्ट जुमले बोले जाते थे, लड़के अगर ख़राब क्रिकेट खेल रहे हों तो लड़के दूसरे लड़के कहते थे अबे क्या लड़कियों की तरह खेल रहा है, यू नो। लेकिन आप लड़कों की टीम की भी कैप्टन बन गई थी, ये क्या कहानी है हैरानकुन? ये कहानी इस किस्म की है कि मैं कराची जिमखाना में क्रिकेट खेलने जाती थी, ठीक, और वहाँ पर अबू भी खेला करते थे, वेटरन्स मामू भी खेला करते थे, और हम बचपन से ही अम्मा अब्बा ने उस तरह से स्पोर्टी एक्सपोजर दिया था, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट कुछ भी आप कह लें, पाकिस्तानियों में खेले ना, बट शौक होता है कहीं ना कहीं किसी सबके अंदर ना। एशियन 11 की कोई टीम थी, वो आई जब थी तो अंडर 17 के लड़के खेले थे, तो उसमें से प्रैक्टिस मैचेस जो जिमखाना की अंडर 17 की टीम थी उसकी मैं बॉयज़ की कैप्टन थी। ऐसा भी हुआ। ऑडियंस की तरफ वापस आएंगे। हाँ भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? अली। अली, ये अली भाई आपने अपने हाथों पे क्या अंदर से शॉपर लपेटा हुआ है क्या? नो दादिश भाई। क्या करते हैं अली भाई? मैं MLT कर रहा हूँ। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि हम तो सिर्फ 5 ओवर की फील्डिंग करके शक्ल की ये हालत हो जाती है, आपने 20 ओवर की फील्डिंग की, 50 ओवर में भी की, गलती से एक टेस्ट में भी कर ली, तो आपने खूबसूरती को कैसे मेंटेन रखा, कैसे? भाई खवातीन, एक सेकंड, हाँ। इस सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। हमारे यहाँ एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी हैं लोगों के, भाई धूप में ये रंग इतना फेयर वो, और स्किन सेंसिटिव भी होती है खवातीन की, तो आप लोग इस बारे में कॉन्शियस रहते हैं या आप स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन हैं? नहीं नहीं, थोप के सनब्लॉक लगाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है, बट देखिए रंग के बारे में कॉन्शियस अगर आप हो गए तो फिर आप घर में कुछ लगा के बैठे हैं। मुझे कभी भी उस चीज का नहीं होता था, बट वो आप बात सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये वाला मसला, खास तौर पे जब क्रिकेट शुरू भी खेलनी शुरू की थी तो अम्मा अब्बा के वही कुछ रिश्तेदार कुछ दोस्त यार, रिश्ते कैसे, अरे भाई हाँ रंग खराब हो जाएगा, काली हो जाएगी, तो रिश्ते कैसे आएंगे? तो जब आपसे मुतमईन है आप जी, आप भी इतने आप खूबसूरत हैं यार, आप ना उम्मीद ना हो। नहीं, हमें भी आप प्यारे से। अगला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? अली हसन। क्या आप भी सीए कर रहे हैं अली भाई? यस सर। ऐसा लग रहा है आज आप हंसना मनाए में जॉब इंटरव्यू कुछ तैयार हो गए टाई शाई ला के। सर कोई सवाल पूछेंगे? सर मेरा सवाल मैम से है कि मैम सिलेक्शन कमेटी की हेड रह चुकी हैं। अच्छा, तो मैम सिलेक्ट करते हुए क्या क्वालिटीज देखती हैं? देखिए सबसे पहले तो टेक्निकल जो स्किल वाला एलिमेंट है कि वो तो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को बेहतर करेंगे वो तो एक ऑब्वियस ही चीज़ है। दूसरी चीज़ फिटनेस,
जो बहुत दफ़ा हमारे मुल्क में एटलीस्ट अंडर एस्टिमेट कर दी जाती है कि अगर मैं लंबे लंबे छक्के मार लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो दुनिया में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको आप देखें वो बात फिटनेस से ही शुरू करते हैं। तो है। दो ये क्वालिटीज़ हो गई। फिर आप इसके अंदर देखने के आपका पोटेंशियल मैच विनर कौन हो सकता है कि मैच विनर, क्योंकि किसी मेरा ये मानना है कि किसी के 100 से कभी कभार किसी के 30-40 बेहतर होते हैं जो मैच आपको जिता दे। तो इस किस्म का कोई प्लेयर जो टीम के लिए खेले, जो थोड़ा दलेर हो उस किस्म के इस, और उसके बाद फिर ये कि आप कभी कभार प्योर टैलेंट पे चले जाते हैं कि आपका गट फीलिंग क्या है यार कि ये मुझे लगता है ये लेग स्पिनर आउट कर देगी, भले उसको उसका शायद एक्शन में भी थोड़ी सी बेहतर होने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद गट फीलिंग होती है। बट स्किल, फिटनेस और फिर जो मैच विनिंग क्वालिटीज़ है ना कि दलेर होना, गट्सी क्रिकेटर होना, जो टीम के लिए जान मारे, आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ क्रिकेट खेले, वो एक मैच विनिंग फैक्टर जो है वो आई थिंक बड़ा जरूरी है। लंबा स्टैंडर्ड बना दिया आपने, प्लेयर कहाँ मिलते हैं? स्टैंडर्ड वो तीन ही है, उसको बस आप खींचे चले जाएं। मगर वो तीसरा बड़ा जरूरी है कि कभी कभार हम स्टैट्स पे निकाल लेते कि इसके 10,000 रन है, उसके 20,000 रन है, उसके 2,000 रन है, मैच कितने जितवाए भाई ये बता देना। 100 विकेट अगर आपकी हैं तो आपने मैच कितने जितवाए, विनिंग कॉज में, विनिंग कॉज में कितने। आपने चंद आइकॉनिक मोमेंट्स पे कॉमेंट्री आप कर रही थी लास्ट ईयर, इसी साल इनफैक्ट, गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें आखिरी दो बॉलों पे द ग्रेट बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, वो क्लिप मेरे पास रेडी है, वी वांट टू रीलिव दिस मोमेंट। याद है आप सबको गद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड और उरूज कमेंट्री कर रही थी, आज वो मोमेंट हम रीलिव करेंगे। दिखाओ भाई लास्ट दो बॉल है, बाबर गोज ओवर, ही गोज ओवर मिड ऑफ, बाबर गोज टू 97, इमोशंस आर वाइल्ड, गद्दाफी स्टेडियम क्राउड, they've been electric, Babar, 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 and Babar are off the charts. Last ball, Jimmy Neesham, Babar needs 4, does he get it? Yes he does, the king stands tall once again tonight as he lights up Gaddafi Stadium, 30-20 I century, yes the king, you can take a bow, yay! कादिर रोजा वक्त है, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस वापस आइए, हंसना वाला है कहीं नहीं जाएगा। कालिया द ग्रेट इंजमाम उल हक की वजह से, और सिर्फ ऐसे नहीं कि वो अच्छे बैट्समैन थे, उनके रनआउट से इंस्पायर्ड थे आप, वो रनआउट बहुत प्यारा होते हैं, ये कौन सी इंस्पिरेशन है भाई? उनको रनआउट किसने किया था? हजारों जॉन्टी रोड्स ने। और कैसे किया था? आइकॉनिक, मतलब वो जॉन्टी रोड्स ने फील्डिंग का जो ना कहते नक्शा बदल, पैराडाइम चेंज लेकर आए, 100% ही रेवोल्यूशनाइज्ड फील्डिंग, और आई थिंक आज तक भी ही इज आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट फील्डर ऑफ, ऐसा ही ठीक है ना। वेलकम बैक टू हसना मनाई, मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट उरुज मुमताज। उरुज, पता ये चला कि भाई क्रिकेट में इंस्पिरेशंस होती हैं, लोग जावेद मियांदाद की वजह से आए हैं, कोई बाबर आजम की वजह से आए, कोई इमरान खान की वजह से आया, आप आई द ग्रेट इंजमाम उल हक की वजह से, और सिर्फ ऐसे नहीं कि वो अच्छे बैट्समैन थे, उनके रनआउट से इंस्पायर्ड थे आप, वो रनआउट बहुत प्यारा होते हैं, ये कौन सी इंस्पिरेशन है भाई? उनको रनआउट किसने किया था? हजारों जॉन्टी रोड्स ने। और कैसे किया था? आइकॉनिक, मतलब वो जॉन्टी रोड्स ने फील्डिंग का जो ना कहते नक्शा बदल, पैराडाइम चेंज लेकर आए, 100% ही रेवोल्यूशनाइज्ड फील्डिंग, और आई थिंक आज तक भी ही इज आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट फील्डर ऑफ, ऐसा ही ठीक है ना। जो इंदी भाई को उन्होंने रन आउट किया था जॉन्टी रोड्स फील्ड में और विकेट के पीछे कामरान अकमल, ये दो नाम ऐसे हैं जो दुनिया रहने तक कायम रहे। आज क्यों रही हैं आप? क्योंकि आपने कहा है कि हंसना है, ठीक है, मना हटा दिया था तो वो जॉन्टी रोड्स का 92 का वर्ल्ड कप, उस वक्त क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ हो गई थी तो टीम को फॉलो भी कर रहे थे, बट वो जिस तरह का आइकॉनिक मोमेंट था ना कि रनआउट जो हुआ वो अपनी जगह पर, जिस तरह से जॉन्टी ने अंडर आर्म बॉल उठाया, हॉरिजॉन्टल चला गया वो भाई, मतलब रुक जाओ। वक्त हुआ है एक सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये कि एक स्केच यहाँ पर आएगा, और ये जैसी स्केच आएगा ये 5 तक काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, वो स्केच गायब हो जाएगा और हमारे पास 30 सेकंड होंगे उसको रीड्रॉ करने के लिए। ये आपकी स्केच बुक है और हमारा वो यहाँ से बोर्ड हटा हुआ है, हम ये अपने वॉल ऑफ फेम पे लगाते हैं। वॉल ऑफ फेम, थैंक यू। ठीक है, ड्राइंग में तो मैं बहुत ही बुरी हूँ। आप मुझसे मुकाबला कर रही हैं, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। चलो भाई काउंट करना है 5 तक, दिखाओ पहला स्केच। हाँ वाह, या अल्लाह, 3, 4, 5, 5, 6। बाकी बॉडी कैसी थी इसकी? मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था।
बना दिए भाई मैंने। कैमरे को दिखाइए ना क्या बनाया आपने। अरे वाह वाह, आप भी जरा दिखा दें, आप भी दिखा दें जरा जो आपने 30 सेकंड पूरे लिए। भाईजान मेरी है तो वो मुर्गी, मुर्गी लेकिन ना आ चुकी है वो ट्रक के नीचे। मैं दिखाऊंगा। मेरी मुर्गी देख लिया। ये मुर्गी का स्टिकर है। मुर्गी का स्टिकर है। अगला 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 एक और है भाई। या अल्लाह, ये तो नहीं बनता। ये तो बनाते हुए भी मजा नहीं आ रहा। क्या है ये? हाय हाय, पिनोकियो का बच्चा लग रहा है। मुझे आप ही दिखाएं। मेरा इस दफा स्टिकर बन गया। अभी भी ठीक लग रहा है यार। नहीं नहीं, लेकिन देखें जिसका मुंह है उसका हाथ भी। हाथ नहीं है देखे ना ये। हाँ कोई बात नहीं, और ये आप मुझे देखेंगे आपकी मोटिवेशन में इजाफा होगा। दिखा दें। मेरे बंदे को वेंटिलेटर वाला पाइप लगा हुआ है नाक। हाँ, ये किसकी उंगलियां है? उंगलियां कहां है, पाइप है पूरा। खवातीन हज़रात जिनको लगता है उरूज मुमताज मुझसे अच्छी स्केच आर्टिस्ट है, तालियां बजाएं। वो जो वो मुर्गाबी जो थी उस पे साइन करते हैं। मुर्गाबी पे साइन करते, मुर्गाबी पे साइन करते हैं। बहुत अच्छा खेला आपने भाई। उरूज अगला सेगमेंट है, इसका नाम है मशवरा बराए फरोख्त। कुछ कमेंटेटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर आएंगे, तस्वीरें भी यहाँ आएंगी, आपने उन्हें वन लाइनर में यह छोटा सा ब्रीफ सा मशवरा देना है। दिखाओ भाई पहला नाम किसका है। ये तो बिस्मा मारूफ है, कमेंट्री तो अभी नहीं करती बिस्मा। नहीं, खेल ये कॉमी तो खेलती हैं। अच्छा वाला, अच्छा वाला खेल लेती हैं ये तो। अच्छा, इनफैक्ट सबसे अच्छा खेल लेती हैं। हाँ, बिस्मा तो हमारी स्टार है। ये इनको मैं क्या बोलूं, ये अच्छी है यार। पर हम खवातीन की बाबर आजम है। ये खवातीन की बाबर आजम है, कभी कभार बेहतर भी है उनसे। वाह, नहीं यार बिस्मा ठीक है, इनको मैं बोलूंगी मशवरूंगी कप्तान वापस बन जाए। अच्छा बिल्कुल। निदा डार से आपकी ये बेहतर कप्तान, नहीं दुश्मनी नहीं बट ये कप्तान वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि ये खवातीन की बाबर आजम है, क्या अगर ये कोई कह दे कि बाबर आजम मर्दों के बिस्मा मारूफ हैं तो बाबर बुरा मानेंगे? अच्छा लगेगा भाई, मतलब ये फैंस जो हैं आपको खाने को आ जाएंगे, है ना। ये क्यों होता है? अभी देखिए ये बिस्मा को बुरा नहीं लगेगा शायद कि मैं बोलूं आप खवातीन की बाबर आजम, बोलेंगे थैंक यू बोलने शायद, लेकिन अगर मैं बाबर को बोलूं आप मर्दों के बिस्मा मारूफ हैं वो माइंड कर जाएंगे। ये तो बाबर माइंड करेंगे कि नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, बट फैंस को बड़ा बुरा लग जाएगा। मेंटेलिटी का भी, सोच का भी फर्क है ना। क्यों नहीं हो सकता इस तरह? और बहुत दफा ये सवाल विमेन क्रिकेटर से ही पूछा जाता है, आपका फेवरेट मेंस क्रिकेटर कौन है? भाई किसी मेंस क्रिकेटर, बाबर आजम से पूछ लें आप किसी दिन, विमेन्स की टीम है ना पाकिस्तान की, या शाहीन से पूछ लें, पूछा जा सकता है कि आपकी फेवरेट विमेन क्रिकेटर कौन है? बोलेंगे मैं देखता नहीं इतना, ऐसे जवाब मैंने पूछा हुआ है अक्सर भाई, पूछा हुआ है। दिखाओ निदा डार। कप्तान, कप्तान निदा डार को मशवरा क्या दे, कैप्टन से छोड़ दे? नहीं, कॉलर थोड़ी नीचे कर लो। यार उनका एक स्वैग है वो ये निदा डार का, अब बेहतर हो गई है। अच्छा, दरमियान में आ गए, दरमियान में कॉलर हो चुके हैं। दिखाओ भाई द ग्रेट शोएब अख्तर। इनको क्या कोई मशवरा देगा, इनको क्या कोई मशवरा देगा, 100 मील पर आर पे तो गेंद करा चुके हैं ये। हाँ, अब तो आप शोएब भाई यूट्यूबर हैं, कमेंटेटर हैं, क्या एनालिस्ट हैं, अब इनको कोई मशवरा के शोएब भाई ये मत किया करें या ये किया करें। हाँ। मैं मशवरा दूंगा नाड़ा अंदर कर लें। वो भी फिर स्वैग है। सिकंदर बख्त, इनके साथ मैंने भी क्रिकेट खेली है। आपने भी सोचें, साउथ एंड में हमारी जब विमेंस के, आप क्रिकेट छोड़ना चाह रही थी कि आप सिकंदर बख्त के साथ क्रिकेट, साउथ एंड में हमारा कैंप लगता था तो ये वहाँ पर इनकी बॉयज की टीम होती तो ये वहाँ भी होते थे। इनको मैं क्या मशवरा दूंगी, इनको ये मशवरा दिया जा सकता है कि वो प्लेयर्स भी हमारे अपने ही हैं। वो प्लेयर्स भी हमारे अपने। हाँ, सिकंदर भाई तनकीद के लिए मशहूर है। तनकीद जो बजा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो सही है। कभी कभार आई थिंक
थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सिकंदर भाई थोड़े स्वीट हो जाए आप प्लीज। अच्छा देखने में बहुत प्यारे लगते हैं पता है, इतने प्यारे लग रहे हैं। वाह वाह वाह, यू स्वैग में बैठे हुए जैसे अभी वो डायलॉग बोलेंगे नाम वजय दीनानाथ चौहान, आपका नाम दीनानाथ चौहान, इस तरह बैठे दिखाओ भाई बाबा। बॉबी को क्या मशवरा देंगे? बॉबी को ये मशवरा दूंगी कि थोड़ा दलेर होना पड़ेगा। बॉबी को दलेर होना पड़ेगा। बॉबी को थोड़ा दलेर होना आपको पड़ेगा। क्या लगता है बॉबी की दलेरी विद एज आ जाएगी विद एक्सपीरियंस? बॉबी की दलेरी की बैटिंग में वजह ये कि चूंकि वो अब तक भी बैकबोन है बिल्कुल ठीक है ना, तो उनपे प्रॉबेबली बाकी टीम का प्रेशर इतना होता है कि बॉबी उस तरह से खुल के नहीं। बट मॉडर्न डे क्रिकेट अब जहाँ चली गई है ना, तो आप अपने शेल में रहकर या बाकियों की मतलब आपके बाकी प्लेयर्स ऑटोमेटिकली खुद ही बेहतर होते चले जाएंगे। वो वाली चीज़ है कि बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन भी प्रेशर डालती है अननेसेसरी, बट कप्तानी में थोड़ा दलेर होना पड़ेगा। ठीक है उरुज, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे आपने मशवरे दिए। वापस आता हूँ आपसे चंद सवाल पूछूंगा, वक्त हुआ है सब ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, असलम मनाए कहीं नहीं जाएगा। उधर गई असमाविया बैटिंग करने आ गए, अब वो लगे विद स्लेजिंग, अब हमें क्या पता स्लेजिंग क्या होती है, हमने इतनी क्रिकेट ही नहीं खेली थी। अब सीरियस ले रहे हैं उसको हम तो, मतलब वो भाई वो स्लेजिंग जो भी वो कर रही थी जया शर्मा उसका नाम था, असमाविया ने ग्लव्स जब उतारे बैट उठा इधर मैं तुम्हें मारूं, वो भाई कांता भाग के गई उसको पकड़ने के लिए कि मैच है इंटरनेशनल यहां मार कुटाई नहीं हो सकती। आज उरूज ऐसा है क्योंकि इतनी प्यारी ऑडियंस आई हुई है तो हम इसको ना पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टैलेंट। तो ये कुछ लड़के और खवातीन यहाँ खड़ी हैं जिनमें शायरी का बहुत बड़ा टैलेंट है, इनको शेर व शायरी करने का, सुनने का और याद रखने का शौक है। ठीक है होगा, ये एक एक करके यहाँ आएंगे, एक एक शेर सुनाएंगे, जो शेर हमें और आपको और ऑडियंस को अच्छा लगेगा हम उन्हें ये गिफ्ट देंगे। ठीक है तो सबसे पहले क्योंकि एक ही खातून इस पूरी लिस्ट में शामिल है तो हम किसी लड़के को बुलाएंगे, आ जाओ आ जाए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन शेर सुनाओ। शेर ताबिश भाई के लिए है, मैं तुम्हें चांद कहूँ ये मुमकिन तो है लेकिन, मैं तुम्हें चांद कहूँ ये मुमकिन तो है लेकिन, सारी रात लोग देखें ये मुझे गवारा नहीं। मैं तुम्हें चांद कहूँ ये मुमकिन तो है लेकिन, सारी रात तुम्हें लोग देखें, अबे मुझे रात में लोग देखते हैं मेरा काम चल रहा है भाई। ईआरपी करवा देगा ये लड़का इस चक्कर में। हाँ सर आप आए, आप आए, आपकी आंखों में कशिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली मुबीन। अली मुबीन साहब सुनाइए शेर। अज इश्क दे टूर्नामेंट विच मैं प्यार दा फाइनल हार गया, वाह होई इश्क दी बैटिंग तेज बड़ी हर छक्का बॉर्डरियो पार गया, वाह मेरे दिलबर गुगलियां बालां विच मैनू प्यार दा बोसर मार गया, किता कह चुने मेरा दिल यारो मैं जीतिया मैच भी हार गया। वाह आए सर आप आए, क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई से शेर सुनाए। सर मैंने कुछ अशआर अपने ही लिखे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। अल्लाह खैर सुनाए। खूब अपनी हथेली तो सजाई होगी, वाह मेहंदी हाथों पे भी उसने लगाई होगी, ये जो मध्यम हुई चांद सितारों की चमक, उसने चेहरे से ही जुल्फ हटाई होगी, हमने तो फकत एक दिन ही गुजारा साबिर, खैर उसने तो ईद मनाई होगी। क्या बात है, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे, आज चाचा आप आ जाओ। अच्छा जी चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा शेर सुनो। वो कुछ सुनता तो मैं कहता, वाह मुझे कुछ और कहना था, वो पलभर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, गलत फहमी ने बातों को बड़ा डाला यूं ही वरना, कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। सुनाने का अंदाज बहुत शेर ही बहुत, दावत कलाम दूंगा जनाब, आइए सर माइक पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रख बैठे? मोहम्मद अहसन। मोहम्मद अहसन शेर आपके लिए एक शेर है। मेरे लिए शेर वो भी आई, मेहमान भी आए, चांद तक मुझे बना रहे शर्मा लेने के चक्कर में। दुख देकर सवाल करता हूँ ताबिश तुम भी कमाल करते हो,
दुख देकर सवाल करते हैं, ताबिश तुम भी कमाल करते हो, देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहरे दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो, अब किस सितम आपको मिसाल दूँ, तुम हर सितम बेमिसाल करते हो। नाम क्या है? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम शेर सुनो। अख तेरी विच चैन कोई नहीं, वाह, दिल तेरे विच रहम कोई नहीं, लोकी बुलान ते नस नस जाना है, असी बुलाइए ते टाइम कोई नहीं। अरे वाह वाह, हकीकत में मम्मी रियलिटी बेस्ड शेर। वेल वाहिद खवातीन शायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? फिजा अब्दुल रजाक। फिजा अब्दुल रजाक, शेर सुनाइए। उसे फुर्सत नहीं वक्त निकाल ले मोहसिन, उन्हें भी देखो, भला ऐसे होते हैं चाहने वाले मोहसिन, वाह, याद के दश्त में फिरता हूँ नंगे पाँव, कभी आ देख पैर के छाले मोहसिन, वो जो एक शख्स मत आए दिलो जान था, ना रहा अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन। वाह वाह, उरूज सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, सबसे अच्छा शेर किसका लगा? टॉप टू एक तो इन साहब का, क्योंकि अंदाजे बयां पूरा कंप्लीट पैकेज था, और जिन्होंने अपना शेर खुद लिखा था, साबिर भाई वाह। बाकी सब आगे साबिर भाई, एक एक शेर और आपसे सुनूंगा, फिर मुकाबले का नतीजा तय होगा। हाँ आता ये मैम के लिए स्पेशल। शुक्र ये मैम के लिए। जमाओ मकान की वसअतें तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। अरे वाह 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 वाह, वो मेरे नसीब की बारिशें। अमजद इस्लाम अमजद का खूबसूरत शेर, आइए साबिर मियां। वो जो हमारे करीब थे किसी और का ही नसीब थे, वाह वाह वाह, उन्हें कैसे कहूं मैं बुरा साबिर, वही कातिल तो हमारे रकीब थे। क्या बात, अब उरूज इन दो मुस्तनद शोरा में से कौन सा ऐसा शायर है जो आज की शमाए मतलब आज का गिफ्ट लेके जाएगा? ये तो बड़ी जबरदस्त दोनों, मगर आई थिंक बिकॉज उनके अंदाजे बयान का जो पैकेज है ना पूरा। वाह भैया वाह वाह, साबिर भाई आप जमा, मगर आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे शेर आपने गए, इसी तरह लिखते रहिए, वेरी गुड। आज मैं बुला रहा हूँ, ये लो भैया, जजाक अल्लाह। आइए भाई, ये एक स्पेशल टैलेंट है, मैंने भाईजान मैंने रिस्क लिया है आप पे, रिस्क, गाना अच्छा होना चाहिए। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, कल की किस को खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह वाह, अच्छा भाई आओ इधर आओ, तुम्हारा गिफ्ट साथ जाएगा मेरी जान, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत मुबारक हो, आइए बैठिए, तालियां होनी चाहिए मेरी जान। उरूज क्या कमाल टैलेंट है पाकिस्तान में, आप देख रही हैं आसपास बिखरा पड़ा है, पाकिस्तान में तो हर चीज का बहुत टैलेंट है, चोरी चकारी का, शेर शायरी का, करप्शन, हर चीज का, इसमें कोई शक नहीं, हर वैरायटी मौजूद है। अच्छा उरूज, के एक बार विमेंस टीम का जो था वो मैच था इंडिया के खिलाफ, और इंडिया ने कुछ स्लेजिंग की, तो हमारी लड़कियां फुल बैट वैट के इधर आती ये करना शुरू हो गई, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हुआ था, खेलना तो मैं उतना अच्छा नहीं आता था, पट्टे पूरे आते थे। 2005 का किस्सा ये, अब इंडिया से मैच हो रहे, बहुत पेंटी पड़ी हमें, अब वो हम बैटिंग करने का अल्लाह अल्लाह करके 50 ओवर बस गुजारने की कोशिश कर रहे, रन तो बहुत थे, तो ऊपर के हम सारे आउट हो गए, वो दोनों बेचारे खड़े ना, असमाविया कांता ने सिंगल लिया, वो उधर गए, असमाविया बैटिंग करने आ गए, अब वो लगे विद स्लेजिंग, अब हमें क्या पता स्लेजिंग क्या होती है, हमने इतनी क्रिकेट ही नहीं खेली थी, अब सीरियस ले रहे हैं उसको हम, तो मतलब वो भाई वो स्लेजिंग जो भी वो कर रही थी, जया शर्मा उसका नाम था, असमाविया ने ग्लव उतारे, बैट उठा, इधर मैं तुम्हें मारूं, वो भाई कांता भाग के गई उसको पकड़ने के लिए कि मैच है इंटरनेशनल, यहाँ मार कुटाई नहीं हो सकती, वो उसके प्लेयर्स को, और वो फिर लगातार स्लेजिंग करते रहे, तो ये ऐसा भी हुआ है कि मतलब हमने कहा कि वैसे तो नहीं जीत रहे आप, मार के खत्म कर दो। अच्छा एक और बार ऐसा हुआ, कोई प्लेयर है जिनको फील्डिंग पोजीशंस के नाम नहीं पता,
तो वो किस तरह गुजारा करती थी फिर, अगर आप उनको कह रहे मिड ऑफ पे जाओ तो वो कैसे जाती थी? ये सबसे शुरू की बात है, 2004 का ही वाकया है, नेशनल स्टेडियम में। अब टीम इस किस्म की थी कि हमारे पास आठ या नौ कह लें लड़कियां थी जो खेलना, जिनको कुछ हद तक आता था, बाकी बस पूरे करने के लिए थे, खाली जगह पूर करो वाला। मॉडल क्रिकेट टीम में भी ये होता है, उसमें था कि भाई टांग रोक के बॉल पकड़ लेना, इतनी बात है, और जिसको हार्ड बॉल से डर ना लगता। तो अब स्पाइक्स भी उस जमाने में नहीं होते थे, किसी ने पहने किसी ने, तो वो रबर स्पाइक से निशान लगा रही है घास में, वो क्या पता इतने बड़े नेशनल स्टेडियम में घास के निशान कहाँ गया। तो किसी ने बोला कि भाई टिशू विशू रख लो या पत्ते रख लो, तो पत्ते गुजारे टिशू, हवा चल रही है। तो थोड़ी देर के बाद ना, उस वक्त शाहिजा खान कप्तानी, थोड़ी देर के बाद ना जब हवा चली तो सारे पत्ते और टिशू ऑब्वियसली मतलब मिड ऑफ मिड ऑन बन गया, मिड ऑन मिड विकेट बन गया, सारी इकट्ठा खड़ी है। कप्तान बॉलिंग करी तो उसे, क्या कर रही हो तुम सारी ये लड़कियां, उधर क्या खड़ी हो? उन्होंने कहा मैडम हमारा टिश्यू यहीं पर है। सारे टिश्यू, सोचा ये इंटरनेशनल मैच में। बट ये सारी कहानियां जिससे हम, कामयाब फिल्म थी लगान, आप लोगों ने लगान देखी है? लगान यस, उसे पहली बॉल पे सारे फील्डर एक बॉल पे भाग रहे थे, अरे इधर आओ ये क्या कर रहे हो। तो ये सारे कहते हैं आप जर्नी समझ लें विमेंस क्रिकेट की, जो ऐसी अनहिडन स्टोरीज हैं, जो रास्ता कार्व हुआ है और पाथ बना है कि अब जो है वो मतलब पाकिस्तान की वजह से कि मैं यहाँ बैठी हूँ और बाकी निदा डार मरीना वगैरह। उरुज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया, तालियां होनी चाहिए उरुज के लिए। उरुज मैं शो के इख्तिताम पे एक तो आपका शुक्रिया अदा करना ही है, दूसरा आपकी जो विमेंस क्रिकेट टीम है, बल्कि मैं कहूँगा नेशनल क्रिकेट टीम जो है हमारी जिसमें खवातीन खेलती हैं, उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ अल्लाह मियाँ, इसको पाकिस्तान के जिस तरह मेंस टीम को हम लोग प्रेस करते हैं, उनका मैचेस देखते हैं, और अल्लाह करे इतना इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए हमारी कंपनीज की, स्पॉन्सर्स की, मैनेजमेंट की, पीसीबी की, हुकूमत की, कि हम उसी शौक और ज़ौक से वेमेंस क्रिकेट टीम का मैच, और आप लोगों को भी जिम्मेदारी है कि इम्प्रूव करें भाई, अपना गेम अप करें और फिटनेस लाएँ, ICC टूर्नामेंट लेकर आएँ इंशाल्लाह पाकिस्तान में। यूजली खवातीन आज़ाद में करता हूँ कमाल की बात, लेकिन आपको पता है कि जब कमाल का गेस्ट हो तो मैं कमाल की बात उन्हीं से करवाता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की साबिक कप्तान उरुज मुमताज़, जो अपनी कौम से कमाल की बात करेंगे। उरुज ताबिश, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग, बड़ा मज़ा आया। मेरे नज़दीक दो चीज़ें, कि आपने अगर दुनिया में कुछ भी करना है, मैं खास तौर पर ख़वातीन से बात करें, तो आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है आप खुद, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी सोच की लिमिटेशन। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और बिलीव करें विद अ पैशन कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, ऑब्स्टिकल्स हर किसी काम में आती हैं, चाहे वो किसी का भी काम हो, और मेहनत जो है ना वो एक नॉन मेजरेबल चीज़ है, उसको आप तोल नहीं सकते, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत करते हैं, तो वो सक्सेस का मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेहनत सब करते हैं। पर जब आप खुद ताने ना कि आई कैन डू दिस, और आप अपना ऑब्स्टिकल हटा दें, तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ये मैं बहुत ज़्यादा उससे मानती हूँ। वेरी वेल डन खवातीनो हज़रात, आप देख रहे थे हंसना मनाए, इस वक्त बज रहे हैं आपकी घड़ियों में 11:55 पर। एक स्पोर्ट्स वुमन जो है 11:55 पे क्या करती है? मस्तियाँ टीम मेट्स के साथ। आप सोते नहीं हैं आप लोग? चुप के खाते थे, मूवीज देखते थे, ये देखो उस जमाने ये, ये है इस मुझे से नहीं आ रही। फिर आया प्रोफेशनलिज्म, फिर हो गए हम ठीक। रात 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।